एक इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई और कहा 30 जून तक का समय बढ़ाने की जो अर्जी थी एसबीआई की ओर से उसको खारिज कर दिया और एसबीआई को कल तक का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसबीआई कल तक आंकड़े उपलब्ध करवाए। 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन इस डेटा को पब्लिश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त चेतावनी दी है कि अगर आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को वक्त दिया था इससे जुड़ा डेटा सबमिट करने के लिए, लेकिन एसबीआई बार बार तारीख की मियाद को बढ़ाना चाहती है। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि कल तक का वक्त दिया जाता है, ये डेटा सबमिट किया जाए क्योंकि इसे पब्लिश करेगा सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी अहम बात यह कि ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसे अवमानना माना जाएगा, अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल स्टेट बैंक को कल तक इस डेटा को इलेक्शन कमीशन को देने के लिए कहा है, बल्कि चुनाव आयोग को भी ये कहा है कि 15 मार्च तक उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा को अपने रिकॉर्ड पर लेने के लिए उन्हें 30 जून तक का अतिरिक्त समय दिया जाए, जिसको लेकर अवमानना याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। जया ठाकुर जी हैं जो फिलहाल याचिकाकर्ता हैं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जया जी, इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए, क्योंकि एसबीआई को एक बड़ा झटका आज सुप्रीम कोर्ट से लगा है? जी, मैं काफी खुश हूं कि कोर्ट ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए एसबीआई को कड़े निर्देशों में कहा है कि आप कल तक अपना जो है डिटेल्स आप सबमिट करें, अदरवाइज इसको कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। और इनके पास सफिशियंट टाइम था, अप्रोक्स 26 डेज का समय था, तो अगर ये अपनी तरफ से जो एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारे लिए डिटेल्स चाहिए हैं, डिटेल्स फिल करने के लिए टाइम चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो इट्स जस्टिफाई, क्योंकि आप 26 डेज से अब क्या कर रहे थे? यही तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 26 दिन तक आपने क्या किया इसकी जानकारी नहीं है और आपने याचिका दाखिल कर दी कि 30 जून तक का समय दिया जाए। तो अगर वो अपनी तरफ से समय मांग रहे हैं तो निश्चित रूप से एक चीज तो ये साफ होती है कि इनकी कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं, तो जिसको ये फुलफिल करना चाह रहे हैं उस टाइम बीइंग में, अगर वो कल ही उनको सबमिट करना पड़ेगा तो वो चीजें करनी पड़ेंगी जो उनके पास वास्तविक में है, उसको मैनिपुलेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है ये कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया।